और ये जो नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए थे उनको आपके सामने रखूंगा। उसको आप पहले सॉल्व कर लीजिएगा, मेरे साथ मैच कर लीजिएगा, कहीं अगर गलती रहती है तो किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है उसको देख लीजिएगा, शायद हो सकता है इससे आपको कुछ नया चीज सीखने को मिले। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मेंस की सीरीज के साथ। पहला चैप्टर जो हमने लिया वो हाइड्रोकार्बन लिया है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ दीज विल नॉट रिएक्ट विद एसिटाइलिन। तो सबसे पहले तो एसिटाइलिन का पता होना जरूरी है, तो वो होता है आपका C2H2, यानी कि आप इसको बना सकते हैं इस तरीके से। तो हमें पता है ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है आपकी, ठीक है। ये क्या है आपका, एसिडिक हाइड्रोजन। तो आपसे पूछा है कि इनमें से कौन इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो पहला अगर देखें NUH तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, इसका आंसर फर्स्ट ही है। क्यों? क्योंकि जब आप इसके साथ रिएक्शन कराओगे NUH की, तो वहां पर आपको मिलेगा HC(CNA+)। मान लीजिए मैंने केवल एक ही H+ निकाला है और H2O बना दिया, तो यहाँ पर अगर हम बात करें HC(CH) की और H2O की, तो ये जो HC(CH) है ये वीक एसिड है एज कम्पेयर टू H2O, ठीक है। तो हमें पता है कि हम स्ट्रॉन्ग से वीक एसिड तो बना सकते हैं, लेकिन वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये रिएक्शन नहीं होगी। और बाकी की बात करें अमोनिक एलेजिन उतरी, तो आपको पता है ये टॉलेंट टेस्ट है, तो एसिटाइलिन जो टर्मिनल एल्काइन होता है वो देता ही है, ये आपकी टर्मिनल एल्काइन है। सोडियम मेटल टेस्ट वो भी देता है, HCl के साथ ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दे सकता है, ठीक है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि एसिड तो एसिड कैसे रिएक्शन करेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जो इसके पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे, H+ ले लेंगे और फिर एक जगह जहाँ पॉजिटिव बनेगा वहाँ Cl अटैक कर देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एसिटिलिन रिएक्ट्स विद हाइपोक्लोरस एसिड। तो हाइपो एसिटिलिन क्या होता है आपका, HC(CH), और हाइपोक्लोरस एसिड क्या होता है आपका, HOCl, ठीक है। अब HOCl के अंदर अगर आप बात करेंगे तो ब्रेक कैसे होता है, HO-Cl+ के फॉर्म में ब्रेक होता है। तो सबसे पहले Cl+ अटैक करेगा, तो Cl+ जहाँ अटैक करेगा, मान लीजिए Cl+ ने किसी एक पर अटैक कर दिया, तो यहाँ पर मान लीजिए इस पर अटैक कर दिया तो बना क्या, ये HC+ और ये डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, OH अटैक कर देगा। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, नेक्स्ट टाइम के अंदर जो दूसरा अटैक होगा उसके अंदर इधर Cl वापस से अटैक करेगा, इसके ऊपर OH वापस से लगेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एक कार्बन के ऊपर दो OH आ जाएंगे, इसकी वजह से H2O बाहर निकल जाएगा, और H2O जब बाहर निकलेगा यहाँ पर, तो आपका बनेगा HOC और ये आपका CHCl2 ये बन जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, C। तो आप ऐसे ब्रेक कर लीजिएगा उसको, तो हो जाएगा, वो नॉर्मल रिएक्शन है आपकी, एसिड बेरी आपकी जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है वही होती है। एक क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पर कि जब पहला Cl ने अटैक किया तो पॉजिटिव पास में बना, तो दूसरा पॉजिटिव भी आपने उधर ही क्यों बनाया? तो उसका रीजन था कि पहला जो OH बना था वहाँ पर वो उसके ऊपर प्लस एम लगा था, उसको स्टेबल कर रहा होगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि दूसरा OH भी उसी जगह अटैक करता है जहाँ पर पहला OH था, ड्यू टू जो कार्बोकेटाइन बना उसकी स्टेबिलिटी। एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनता है वो पूरा कार्बोकेटाइन नहीं बनता, कहने का मतलब क्लासिकल कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, वो बनता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन वो होता है जिसके अंदर आपका पार्शियली जनरेट हुआ है और तुरंत रिएक्शन होने वाली है, लेकिन जो भी पार्शियल जनरेट हुआ है तो जितना भी पॉजिटिव जनरेट हो रहा है तो उसको भी चाहिए कि वो क्या करे, स्टेबिलिटी गेन करे। तो उसके लिए हम सभी चीज़ों को, फैक्टर को देखते हैं, जो एक नॉर्मल जो क्लासिकल कार्बोकेटाइन होता है उसके लिए देखते हैं, क्योंकि अगर आप नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन की बात करोगे तो वो भी तभी जनरेट होना चाहेगा जब उसको दिख रहा होगा कि वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब मुझे स्टेबिलिटी मिलने वाली है कि नहीं। एक चीज केवल इसके अंदर नहीं होती, वो है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट केवल क्लासिकल कार्बोकेटाइन यानी कि जो प्योर तरीके से जनरेट होता है उसके ऊपर ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ब्यूटेन में बी कन्वर्टेड टू ब्यूटेन बाय रिएक्शन विद। तो ब्यूटेन को ब्यूटेन में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन होती है, तो आपका पहला ही आंसर हो जाएगा इसका, बाकी से कोई लेने देना है नहीं। ये रिडक्शन की रिएक्शन है, ये जेडन HGHCl आपका क्लीमेंशन रिडक्शन है, जेडन HCl ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टाइप का हो जाएगा, उसके ऊपर एक एच और Cl जुड़ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल। फोर्थ क्वेश्चन, ऑन मिक्सिंग अ सर्टेन एल्केन विद क्लोरीन एंड इरेडिएटिंग इट विद अल्ट्रावायलेट लाइट इट फॉर्म्स ओनली वन मोनोक्लोरो एल्केन। तो कहने का मतलब ये है कि एक एल्केन है उसके ऊपर आप Cl2H2, क्योंकि अल्ट्रावायलेट लाइट बोल दिए तो Cl2H2 की रिएक्शन करा रहे हो, तो आपको सबको पता है कि इस तरह की रिएक्शन में क्या होता है, फ्री रेडिकल जनरेट होता है, कोई रीअरेंजमेंट होता नहीं है, तो फ्री रेडिकल आप वहाँ जनरेट करो जहाँ सबसे ज्यादा स्टेबल हो। तो नियोपेंटेन की अगर हम बात करेंगे तो नियोपेंटेन दिखता है आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है। नियोपेंटेन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इसके अंदर हमें पता है कि केवल एक ही टाइप के हाइड्रोजन है जो ये है, क्योंकि ये सारे ग्रुप क्या है, एक जैसे ही है, ये सभी के सभी जो CH3 ग्रुप इस कार्बन से जुड़े हुए हैं सब क्या है, एक जैसे। तो वहां पर किसी भी हाइड्रोजन को हटाकर अगर आप मोनोक्लोरिनेशन कराते हो, एक Cl जोड़ते हो,
तो फिर वो सीएल, क्योंकि हाइड्रोजन सब एक जैसे ही है इसलिए क्या होगा, केवल एक ही प्रोडक्ट देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। बाकी जैसे प्रोपेन की मैं बात करूँ तो प्रोपेन में ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों अलग अलग है, ठीक है। आप इसको ब्रेक करके यहाँ सीएल लगाओगे तो आपका कुछ और प्रोडक्ट बनेगा, आप इसको हटाओगे तो फिर कुछ और प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल चेक करना है कितने टाइप के हाइड्रोजन वहाँ प्रेजेंट है। जितने टाइप के हाइड्रोजन वहाँ प्रेजेंट होंगे उतने टाइप का आपका क्लोरीन बन सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड विद जेड एनर्जी सीएल टू गिव द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। तो जेड एनर्जी सीएल जो रिएक्शन है वो क्लीमेंशन रिडक्शन है, और क्लीमेंशन रिडक्शन जो होता है वो दिया जाता है केवल एल्डिहाइड और कीटोन से, तो उसमें तो कुछ देखना नहीं है, तो ए आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि ये कीटोन यहाँ पर प्रेजेंट है, बाकी सब तो एसिड एमाइड और क्या है, एस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट किस चीज़ पर डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिकुलर वेट के, और प्रोपोर्शनल टू होता है सरफेस एरिया के। सरफेस एरिया से मतलब ये होता है कि जितना ज़्यादा वो सरफेस एरिया पर, जैसे आपका एक कोई भी मॉलिक्यूल ले लो कि जब आप उसको गर्म करोगे या जब उसको बॉयल करने की बारी आएगी, तो सरफेस एरिया पर जितना वो अट्रैक्शन शो करेगा यानी कि जितना घिरा रहेगा वो सरफेस एरिया पर, उतने ज़्यादा उसके बॉन्ड को ब्रेक करने में थोड़ी सी एनर्जी लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, वन ब्यूटाइन एक सीधी सी लाइन है, वन ब्यूटीन ये भी सीधी सी लाइन है, एक एन ब्यूटेन ये भी सीधी सी लाइन है। सीधी सी लाइन मतलब यहाँ कहीं ब्रांचिंग नहीं है, ब्रांचिंग है केवल ए के अंदर। आइसो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन कैसा दिखता है आपका अगर बनाए तो, CH3 CH3 और ये CH3, ठीक है। मेरी जगह कम है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उस वर्डिंग को सुनिएगा एज कम्पेयर टू मैं जो लिख रहा हूँ उस पर। तो ये जो ए है आइसोब्यूटेन, इसके अंदर एक ब्रांचिंग है एज कम्पेयर टू अदर, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड का तो फैक्टर ही नहीं रहा यहाँ पर, आप मॉलिकुलर वेट का फैक्टर देखोगे तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ ज़्यादा डिफरेंस आने वाला उसके अंदर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, ठीक ए। हाँ चलो नेक्स्ट है आपका, टू मिथाइल ब्यूटेन और रिएक्टिंग विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स मेनली। ब्रोमीन जब सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो बेसिकली होता क्या है उसके अंदर, कि जो ब्रोमीन की रिएक्शन होती है एक सेलेक्टिव प्रोसेस होता है, क्योंकि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये, तो सेलेक्टिव प्रोसेस होने का मतलब ये होता है केवल एक ही हाइड्रोजन ये चूज करता है हटाने के लिए, ठीक है। और वो हाइड्रोजन कौन सा होगा, तो वो हाइड्रोजन वो चूज करता है जो अच्छा फ्री रेडिकल क्या करने वाला, जनरेट करने वाला। तो टू मिथाइल ब्यूटेन, तो टू मिथाइल ब्यूटेन होता ही है, इसमें सबसे अच्छा फ्री रेडिकल कौन सा है, केवल ये वाला, यानी कि ब्रोमीन भी केवल यहीं जाकर जुड़ेगा। जब आप इसका नाम दोगे तो 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल 2 ब्रोमो और ये आपका ब्यूटेन, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, एल्कल हैलाइड्स रिएक्ट्स विद डाइलकाइल कॉपर रिएजेंट टू गिव। तो डाइलकाइल कॉपर का मतलब है R2Cu, ये एज आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वैसे वर्क करता है, ठीक है। जैसे आपका RMGX होता है ना वैसे ये होता है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही एक तरीके से। तो एल्काइल हैलाइड जब आपके डाइलकाइल कॉपर के साथ रिएक्शन करेंगे, तो मान लो कोई एल्काइल हैलाइड है एक्स, उसमें आर माइनस ने इसके ऊपर, आर माइनस या नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि ग्रिग्नार्ड के अंदर क्या होता है, कार्बेनायन फॉर्म होता है, तो आर माइनस के साथ SN2 रिएक्शन करके इसको बाहर निकाल सकता है, तो बनेगा क्या आर, तो कुल मिलाकर बन क्या रहा है, एल्केन ही बन रहा है आपका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एल्केन, ठीक है। 9th क्वेश्चन की बात करें, रिएक्शन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ HBr विद वन मॉलिक्यूल ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन। तो 1,3-ब्यूटाडाइन मतलब होता है आपका ये, ठीक है। इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक प्रोडक्ट तो बनता है आपका ये, और एक प्रोडक्ट बनता है इसके अंदर आपका ये वाला। तो ये जो प्रोडक्ट मैंने बनाया है इसके अंदर आपका प्रोडक्ट स्टेबल है, एल्कीन आपकी स्टेबल है, तो इसको हम बोलते हैं TCP और इसको हम बोलते हैं KCP, काइनेटिकली कंट्रोल्ड। काइनेटिकली कंट्रोल जो प्रोडक्ट बनता है उसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव इधर के तीन हाइपरकोन जो तीन अल्फा हाइड्रोजन से उससे भी स्टेबल है और रेजोनेंस भी स्टेबलाइज्ड है, लेकिन यहाँ का जो पॉजिटिव अगर, लेकिन इसके साथ मैं एक और काम कर सकता हूँ कि इसको मैंने मान लो जो रेजोनेंस में ले गया, तो रेजोनेंस में ले जाने से क्या होगा, ये पॉजिटिव यहाँ जाएगा, तो ये जो पॉजिटिव आया वो तो अनस्टेबल है, इंटरमीडिएट अनस्टेबल है, लेकिन जब बीआर इसके ऊपर अटैक करता है दूसरा, तो बीआर के अटैक करने की वजह से जो प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबल बन जाता है। तो टीसीपी के अंदर क्या हुआ, टीसीपी ने वेट किया आराम से, टीसीपी ने देखा कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल होना चाहिए, यानी कि थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट केवल तब बनता है जब आपका प्रोडक्ट स्टेबल होगा, ना कि केवल इंटरमीडिएट स्टेबल होगा। इंटरमीडिएट स्टेबल होकर अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप जल्दबाजी कर रहे हो, और जल्दबाजी का मतलब काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब भी आप टेम्परेचर कम रखोगे, जैसे 40 डिग्री सेल्सियस दिया है, आपको याद रखना होता है कि 40 डिग्री सेल्सियस एक हाई टेम्परेचर होता है, तो आप अगर हाई टेम्परेचर रखते हो तो TCP मिलेगा उस पर, और ये जो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होता है वो आपको लो टेम्परेचर पर मिलता है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाकी इसके बारे में अगर आपको डिटेल स्टडी चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिएगा कि 9th क्वेश्चन की जो रिएक्शन है उसके ऊपर डिटेल स्टडी दीजिए, तो आपके जो भी ग्राफ वगैरह होते हैं इसके ऊपर फिर मैं आपका वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं।
टेंथ क्वेश्चन, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्किन्स एक्सेप्ट एथीन लीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत वाला था। दिक्कत वाला क्या था, उन्होंने ये बोला आपको कि ये एल्कीन है। अब हाइड्रेशन का मतलब ये होता है कि एच प्लस सबसे पहले अटैक करेगा, फिर यहाँ पॉजिटिव जनरेट करेगा और ओ एच उसके ऊपर क्या कर देगा, अटैक। तो ये प्राइमरी एल्कोहल बन गया, ठीक है। लेकिन उसने ये बोला है कि इसको इग्नोर करना है आपको, इथिन नहीं है, इसके अलावा सोचो। तो इसके अलावा सोचूंगा तो मैं क्या सोचूंगा, इसके अलावा मैंने मान लो प्रोपीन सोच लिया, तो प्रोपीन के केस में क्या बना सकता हूँ मैं, दो तीन चीज करनी है, स्टेबल कार्बोकेटाइन के साथ भी, अनस्टेबल कार्बोकेटाइन के साथ भी। तो इस केस में क्या बन गया आपका, ओ एच 2 डिग्री बन गया, और अनस्टेबल कार्बोकेटाइन होगा तो 1 डिग्री भी बन जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि आप जैसे आगे नंबर बढ़ाते हुए चले जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे आप नंबर आगे बढ़ाते हुए चले जाओगे कार्बन के, तो कार्बन के नंबर बढ़ने से चांसेस जो बढ़ जाते हैं वो 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री के बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मेजर प्रोडक्ट तो 2 डिग्री है, 2 डिग्री था ना। और अगर कोई क्राउडिंग वाला आपने ले लिया, जैसे मान लीजिए आपने ऐसा कुछ ले लिया, तो इसके अंदर 3 डिग्री के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर या तो सेकेंडरी होगा या टर्शरी। देखो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ये जो क्वेश्चन था थोड़ा सा दिक्कत वाला था क्योंकि क्लियर नहीं था आंसर इसका, बट आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगाना है तो आप लगा सकते हैं ए, क्योंकि कार्बोकेटाइन आपके स्टेबल या तो 2 डिग्री पर होते हैं या 3 डिग्री पर होता है। तो जो भी आपका प्रोडक्ट बन रहा होगा उसके अंदर या तो कार्बोकेटाइन 3 डिग्री पर जाएगा, और अगर 3 डिग्री वहां मौजूद नहीं होगा तो फिर 2 डिग्री पर जाएगा, इसके मिलने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम 2-ब्रोमोब्यूटेन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो 2-ब्रोमोब्यूटेन का मतलब होता ही है, तो जब भी कुछ नहीं दिया हो और बोला गया हो केवल कि एलिमिनेशन के बारे में बताइए, तो एलिमिनेशन का मतलब होता है कि आपको केवल एल्कीन स्टेबल देखनी है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये बीटा है, बीटा इधर भी है, लेकिन अगर आप ये एल्कीन बनाओगे तो अनस्टेबल होगी ड्यू टू लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बट अगर आप इसको बाहर निकालते हो यहाँ से, तो यहाँ पर एल्कीन ये बनेगी, तो ये मेजर एल्कीन होगी ड्यू टू मोर अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका आंसर जो प्रीडोमिनेंट जो मोर मतलब मेन जो बनेगा आपका प्रोडक्ट वो होगा आपका 2-ब्यूटेन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, तो नेक्स्ट रिएक्शन को तो देख के आपको पहचान लेना है, पहले तो आपको ये ग्रुप देखना है, इस ग्रुप को देखते आपको पहचान हो जाएगी। तो ये ग्रुप जब आप देख लेते हो तो इस ग्रुप को देखने से आपको क्लियरली पता चल जाता है कि ये जो रिएक्शन है वो E1CB टाइप का, ठीक है, जिसमें भी आपको NR3+ ग्रुप दिख जाता है वो क्या होगी आपकी E1CB हीट के प्रेजेंस में। तो E1CB रिएक्शन क्या करती है, E1CB के अंदर आपको कार्बन आयन फॉर्म होता है, कार्बन आयन का फॉर्म होगा बीटा हाइड्रोजन पर। तो ये जो लिविंग ग्रुप की तरह वर्क करता है, तो इसके आप देख लीजिए कि जिससे जुड़ा वो अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, इथाइल है ये, तो इथाइल कैसे होगा CH2CH3, तो बीटा यहाँ पर भी है, और एन ब्यूटाइल ऐसे ही क्या होगा वो CH2CH3 टाइप से उधर भी चला जाएगा। तो इसके अंदर जो हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट कहाँ बनना चाहिए, कौन सा, तो सबसे पहले तो क्या होगा, इसके अंदर से एक एच प्लस जाता है यानी कार्बन आयन फॉर्म होता है, और कार्बन आयन फॉर्म होता है बीटा हाइड्रोजन की जगह पर। तो बीटा हाइड्रोजन पर जो कार्बन आयन वो स्टेबल होना चाहिए, तो क्राउडिंग कम होगी, ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, तो सबसे कम क्राउडिंग आपको मिलेगी इसी के अंदर। सॉरी, यहाँ ये अल्फा है इसका, ये बीटा है, जिससे ये जुड़ा हुआ नाइट्रोजन वो अल्फा, वो दूसरा वाला बीटा है। तो यहाँ पर आप नेगेटिव बना दीजिए, क्योंकि ये क्या होगा आपका कम क्राउडिंग वाला, और जब आप इसको इलेक्ट्रॉन लौटाओगे तो ये बाहर निकल जाएगा यहाँ से, तो क्या बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, बाकी पूरा का पूरा ग्रुप साइड में रख दो। देखो अगर आपको समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बनाता हूँ। तो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से था, CH2CH3, यहाँ मैंने नेगेटिव बनाया, इसके इलेक्ट्रॉन लौटाया और इस ग्रुप को क्या कर दिया, लिविंग ग्रुप को बाहर, अभी पूरा लिविंग ग्रुप हो गया। NR3+ के अंदर ये तो नहीं बोला गया ना कि वहाँ पर मिथाइली होना चाहिए, थाइली होना चाहिए, 3 ग्रुप होने चाहिए, वो कोई भी हो सकते हैं, तो इसमें वो ग्रुप ये हो गया, समझ रहे हो। तो हमें मेन फोकस करना है कि आपका जो एल्कीन जो कार्बन आयन बना है वो स्टेबल होना चाहिए। तो वो स्टेबल किसके ऊपर बना है, CH3 के ऊपर, जो आपका ये वाला है जहाँ पर क्राउडिंग कम है वहीं। तो 1 डिग्री कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। मोस्टली बच्चा क्या करता है, आंसर सी लगा देता है बिना इस रिएक्शन को करे, बट आपको पहले रिएक्शन को पहचानना जरूरी है। केवल बेस और हीट देखकर आप अंधाधुंध क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस तरीके की रिएक्शन है वो, उसके हिसाब से आप आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन, ये पहला जो सेक्शन है वो मैं यही रोकता हूँ। आपको अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रेस्पॉन्स कैसा, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए वीडियोज़ वगैरह, कि आपको सब आता है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो अगर आपको ऐसा है कि जो सीरीज चलाई है ये अभी तो ट्रेलर टाइप से ही मान लीजिए आप इसको, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो 12 की जगह 24 भी डिस्कस कर लेंगे। बट अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या रिस्पॉन्स देते हो इस वीडियो के ऊपर। अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, जिससे जितना आप लोगों का कमेंट ही हमें थोड़ा मतलब मोटिवेट करता है, जैसे हम आपको मोटिवेट करते हैं कभी कभी, तो आप लोगों के कमेंट से हमें मोटिवेट करते हैं, जिससे हम क्या कर सकें और हमें उम्मीद मिलती है कि हमें वीडियो बनानी चाहिए। तो डिपेंड्स ऑन योर रेस्पॉन्स कि आपका रेस्पॉन्स क्या है। तो आपका जैसा रेस्पॉन्स रहेगा उसके हिसाब से बना दिए जाएंगे, सेट पूरा तैयार है आपके रेस्पॉन्स की बात में, कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी हम हमारी तरफ से काम करते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर। अभी 12 तक हुए हैं, अगले में 12 और लेकर आऊँगा, तो स्टे ट्यून्ड और पढ़ते रहिए।